महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव संग्राम शुरू हो चुका है। राज्य में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। परिणाम 23 नवंबर को घोषित किया जाएगा। इस साल विधानसभा चुनाव में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। राज्य की 288 सीटों पर कुल 7,995 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। इस चुनाव में पार्टी द्वारा उम्मीदवार नहीं उतारने से बगावत की संख्या बढ़ चुकी है। ऐसे ही नतीजे सोलापुर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। सोलापुर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कई वरिष्ठ नेता उन्हें नामांकन पत्र या उम्मीदवारी न मिलने से नाराज हैं। इसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक दिलीप माने हैं और धर्मराज काड़ादी है, नगर सेवक बाबा मिस्त्री समेत कई पार्टियों के कई नेता बगावत कर मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि इस सीट से एमआईएम पार्टी की ओर से किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार आयाज शेख पर विचार किया जा रहा है। आयाज शेख ने कल आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विरोधियों की आलोचना की। आयाज शेख ने बाबा मिस्त्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वो क्यों रो रहे हैं, क्या उनके आंसू दुखद के हैं या खुशी के। इसी तरह उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि ये बात समझ में नहीं आ रही है। आइए पूरा वीडियो तफसील से देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जमजम न्यूज इंडिया। लोकसभा के चुनाव में सेकुलर विचारधारा के लोगों ने कांग्रेस पार्टी का सीधे तौर पर साथ दिया, तो इस बार भी जो है महाविकास आघाड़ी यही कहती है कि सेकुलर पार्टियों का साथ दो और बीजेपी को रोको, तो आपका क्या उद्देश्य है? मेरे को ये बात कुछ नहीं कहा है। देखो मेरा भी मकसद ये चाहिए, मैं चाहता क्या सेकुलर पार्टी या सेकुलर विचार वाले लोग आना चाहिए। उम्मीदवार रहने दो, पार्टी रहने दो, सेकुलर विचार रहने, सब समाज को लेकर चलो। तो मेरे को ऐसा लग रहा मौसम ऐसा आला है, सौदे चल रहे सब। मेरे को ऐसा लगता बाबा भी एक सेक्युलर पार्टी से था और सेक्युलर विचार वाला विचारधारा रखने वाला आदमी था। मैं अभी तक परेशान हुआ, बाबा रोया क्यों, खुशी के आंसू थे या गम के आंसू थे? मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि बाबा रोए गई। और वही बात क्या है, कौन सी भी समाज के साथ नहीं है बाबा, मैं बोलता तुमको। अब वो समाज कौन सा बनाए ले रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कई को महाविकास आघाड़ी के विरोध में गए, ठीक है ना, तुम्हारे लिए कांग्रेस कभी कुछ करी थी इतनी क्या, कभी इतनी करी कुछ? तुम नगर सेवक कैसा बने, टिकट कौन दी थी तुम्हारे को? और रही बात स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन कौन बने तुम्हारे को, मिला ना तुमको कुछ तो? अरे कई लोग घूम रहे ना तुम्हारे कार्यकर्ता को, तुम क्या करे, क्या बनाए तुम, किसको नौकरी लगाए, ठीक है ना? तुम क्या कर रहे मालूम गया, रुकने सेवक है। इसका मतलब तुम फोटो निकाले तुम अच्छे रुकने सेवक है। रुग्ण सेवक कौन भी नहीं है इसमें, ऐसा कोई भी नहीं है इसमें। पत्रकार ये लोग खड़े ले जिन्हों कभी रुग्ण सेवक बने थे नहीं, इसकी मदद नहीं करे क्या? सिर्फ फर्क ये है बाबा में और बाकी आम आदमी में कि वो फोटो नहीं निकालता, तो फोटो निकालता। तेरे पास वीडियो है, तेरे पास सबूत है, ठीक है ना? हम भी तेरे को पुरस्कार दिए ना, क्यों दिए तेरे को, अच्छा काम था बोलकर। तेरे विचारधारा से आज मैं तेरे खिलाफ हूँ। बाबा के व्यक्तिगत मैं व्यक्तिगत उसका विरोध कर रहा, उसके विचार का विरोध कर रहा हूँ। जो आज तेरे विचार बने से बाबा खुलेआम बता, या तो सॉरी बोल, वापसी जा तेरे पक्ष में, या तो अच्छा भी ले, अच्छा कुछ तो एक ये ले, तेरे को अच्छा मौका था बाबा को। अरे एमआईएम का टिकट लेने का तो भिजता था ना तू, तेरे जितने महीना आता था ना, तेरा कार्यकर्ता बनकर काम करता था मैं। आयाज शेख की भूमिका स्पष्ट नहीं हो रही है, वो कभी कभार एमआईएम का पक्ष ले रहे हैं, कभी महाविकास आघाड़ी का पक्ष ले रहे हैं, तो एमआईएम की भूमिका में आप आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करेंगे? मैं कोई भी चुनाव लड़ने वाला नहीं हूँ इसके बाद। ये मेरा पेशा भी नहीं है और मेरा धंधा भी नहीं है। अगर आया इस बार इरादा करा विकास, लोगों की प्रॉब्लम, मेरे दोस्तों की चाहत की वजह से आया हूँ। और रही बात आमदार, बहुत बड़ी चीज़ है, मामूली नहीं है, मेरी भी पर्सनैलिटी सूट नहीं होती उसको। आमदार मतलब क्या है अतर साहब, मामूली है क्या? लेकिन क्या है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम जो है मैं देख रहा, क्या मानूंगा, किसको भी बनाओ तुम आमदार, किसको भी बनाओ, अरे काम वज नहीं करते, काम नहीं करते तो आमदार बनकर करते क्या? आमदार बना ले गई को तुमको, सुभाष बापू को बनाओ उसके नाम की बॉम्ब, विजय देशमुख को बनाओ उसके नाम की बॉम्ब। कि आमदार बनते गई को मेरे ख्याल से तो कुछ तो बिजनेस ही है। आमदार बनने के बाद कुछ लोन होते वो सेंक्शन कर लेते, कुछ कुछ है बिजनेस ऐसा जो आप लोगों को नहीं समझता। आमदार बनने के बाद मेरे को ये समझ में नहीं आता आदमी सोता क्यों घर में,
सोने के लिए आमदार बनते क्या तुम? तो मेरे को लगता क्या सेक्युलर मैं MIM पार्टी जो है इस बार मैं चूज कर रहा हूँ, और MIM पार्टी मैं एज अ क्लियर बता रहा हूँ तुमको, मैं जातिवाद पार्टी नहीं मानता। मैं मेरी तरफ से मैं उनका कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं उम्मीदवारी भरा था ना, यानी कि उम्मीदवारी भर रहा इसका मतलब क्या पार्टी को पसंद करता, मैं पसंद करता ना, मैं कांग्रेस को पसंद करता, MIM को पसंद करता, राष्ट्रवादी के कुछ नेता को पसंद करता, जो अच्छे नेता उसको पसंद करता मैं। और ऐसा मामला ऐसा नहीं कि आने वाले वक्त में वो MIM के साथ रहूंगा या उनके साथ लड़ूंगा, ऐसा कुछ भी मामला नहीं।